सर रूम? सॉरी मैम, रूम तो अभी खाली नहीं है। सर मैं 2 घंटे से पूरे एरिया में घूम के आ चुकी हूँ और मुझे कहीं रूम नहीं मिला और काफी लेट भी हो चुका है। प्लीज कुछ अरेंज हो सकता है तो? ठीक है मैम, थोड़ा वेट कीजिए, जैसे रूम खाली होता है मैं आपको रूम देता हूँ, आप वहाँ जाके बैठ जाइए। इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे, पलक कदमों पे आ चुके हसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है खिदा दीदार पे तेरे। भाई सुनना, नीचे एक सुंदर सी लड़की आ रही है। क्या बात कर रहा है? अबे हाँ, चल देख के आते हैं। सर अभी तक कोई रूम खाली नहीं हुआ। सॉरी मैम, अभी तक तो कोई रूम खाली हुआ नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट और करना होगा। एक काम कीजिए, आज रात के लिए इनको हमारा रूम दे दो, सुबह जैसे ही रूम खाली होता है इनको इनका रूम दे देना। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप लोग? अरे कोई ना, रात रात की तो बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। Excuse me? आपके रूम की चाबी। इश्क की दास्तां। थैंक यू। वेलकम। यार ये सुबह सुबह भी कितनी सुंदर लग रही है। यार मेरे सिर्फ तेरी तिश्नगी लब पे मेरे, फलक कदमों पे आ झुके हसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे, पलक कदमों पे आ झुके हसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना। यार मैंने सुना है दिल्ली आने वाला इंसान कभी खाली नहीं जाता, लेकिन हम जब से आए तब से खाली ही हैं। कुछ ना भी मिला तो क्या, एक्सपीरियंस तो लेके जाएंगे। ये लड़की तो वही है ना होटल वाली, ये यहाँ पर भी उदास है और होटल में भी उदास रहती है, कुछ तो हुआ इसकी लाइफ में। चल छोड़ हमें क्या। पड़े
वो पल मुझे सिगरेट मिलेगी। इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, कुछ पूछो तुमसे। पूछो। इतने टाइम से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हें, कभी इस फेस पे स्माइल नहीं देखी, कुछ हुआ है क्या? स्माइल करने का रीजन नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है अगर किसी भी लड़की के साथ होता तो वो कभी स्माइल कर ही नहीं पाती। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, एक्टिंग के ऑडिशन के लिए ही दिल्ली आई थी। मैं डायरेक्टर से मिलने गई, वहां जो मेरे साथ हुआ, खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे, पलक कदमों पे आ झुके हसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं। कैसे हो? मैं अच्छी हूं। तो ये जो अपनी आने वाली मूवी है इसमें तुम्हारा रोल कंफर्म है, ठीक है? तो तुम बहुत टैलेंटेड हो यार, मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑडिशन में देख लिया था, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम लाइफ में कुछ करोगी। एनीवेज फन। पलक कदमों पे आ झुके हसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे। I hope you enjoyed. इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। काफी दिनों से दिल भारी हो रखा था, तुमसे शेयर करके हल्का फील हो रहा है। अब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स सिगरेट के लिए। इश्क की दास्तां जुदा है मेरी, तू ही दोनों जहां बाखुदा है मेरी, यार मेरे सिर्फ तेरी तिश्नगी। वैसे अब क्या करने वाली हो? बहुत हिम्मत करके वापस दिल्ली आई हूँ ऑडिशन के लिए। ऑडिशन किस चीज का? वेब सीरीज। कब है ऑडिशन? कल। कल तो हमारा भी ऑडिशन है। तुम भी एक्टिंग करते हो? हाँ, हम दिल्ली एक वेब सीरीज के लिए आए हैं। क्या नाम है तुम्हारी वेब सीरीज का? ट्रू लव। अरे मैं भी उसी के ऑडिशन के लिए आई हूँ। फिर तो साथ में चलेंगे। खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार। मैंने आपकी ऑडिशन वीडियो देखी, काफी अच्छी एक्टिंग करते हो आप तीनों। इस वेब सीरीज में बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिनमें आपको मेन लीड रोल मिला है, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। शूटिंग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी, तो मिलते हैं शूट पर। गुड लक। कॉन्ग्रेचुलेशन।
यार तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, आई लव यू टू। ख्याली दुनिया से बाहर निकल, हमारे जाने का टाइम हो गया है। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है, हमारे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। पागल हो गया क्या तू? उसे मैंने अपने दिल की बात तक नहीं बोली। ये ले पर्ची जो तू रात भर लिख रहा था। जाते वक्त उसके कमरे के बाहर रख दियो, अगर वो सच में तुझसे प्यार करती होगी तो तुझे कॉल कर लेगी। अब चल सारी पैकिंग करके निकलते हैं, चेकआउट का टाइम हो गया है। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। सुनना, हम एक दिन के लिए रुक सकते हैं। तू पागल है क्या? प्लीज यार, एक दिन की तो बात है। तुझे पता है ना पैसे खत्म हो चुके हैं, हम नहीं रुक सकते। थोड़ी देर तो रुक सकते हैं, क्या पता उसे कॉल आ जाए। भाई नहीं आएगा उसका कॉल, चल अब लेट हो रहे हम। उसी का कॉल है। मुझे तुमसे बात करनी है, कहाँ हो तुम? मैं नीचे था। जल्दी आओ। ठीक है आता हूँ। सुनना तू मैनेज कर ले अभी, तू आ जा मैं कल आता हूँ ना। पर पैसे? वो मैं देख लूँगा, तू जा। ठीक है ध्यान रखना, मैं घर पहुँच के फोन करता हूँ। ठीक है। क्या है? लेटर। सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए लेटर लिख के छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पता नहीं कब और कैसे पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उम्मीद तो नहीं है पर फिर भी अपना नंबर लिख कर छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा जो भी जवाब हो मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। और क्या लिखा है इसमें? मेरे दिल की बात। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और दोबारा ये सब करने की सोचना भी मत। सॉरी। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ यहाँ से। मजाक कर रही थी। मुझे लगा तुम सीरियस हो। देखो मैं तुम्हें इतना अच्छे से नहीं जानती पर जितना भी जानती हूँ तुम अच्छे हो। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा टाइम और स्पेंड करें। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरे पास जितने ही पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। इट्स ओके, आई मैनेज। मतलब तुम मेरे साथ रह सकते हो? ठीक है। पहुंच गया तू? मैं पहुंचने वाला हूँ, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। और हुआ तेरे पैसों का इंतजाम? पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ पर उसने बोला कि हम दोनों एक ही रूम में रह सकते हैं, तुम पैसों की टेंशन मत लो। नहीं यार सही है, चल ठीक है मैं पहुंच के कॉल करता हूँ। आज निकलने वाला हूँ अपने शहर, बस किसी के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। कोई कुछ बताने वाला था। क्या बताने वाली थी? भूल गई। अच्छा बता दूँ? बता दो। पक्का बता दूँ? पक्का बता दो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी तो मतलब रिश्ता पक्का समझू? मेरी तरफ से तो पक्का। मेरी तरफ से भी पक्का है।